हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिमस्टोलो में स्वागत है। मेरा नाम हितेश है और मैं हिमाचल टू कन्याकुमारी ऑल वे वॉक कर रहा हूँ। आज मेरा डे 66 है और इस लोकेशन, इस जगह का नाम है पाडोरना, तो सावेरा करके जगह है, वो हमारी डेस्टिनेशन रहेगी आज। तो अभी नाश्ता करना था, लेकिन नाश्ते के लिए कोई भी दुकान अभी खुली नहीं है, ओपन नहीं हुई नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं NH पे, अगर कोई ढाबा कोई होटल मिलता है तो खाना खा लेंगे। हाँ जी, तो अभी 8:58 हो रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो अभी जाके कनेक्ट हुआ हूँ मैं मेन NH से, 4 लेन से। तो अब 1 घंटा हो गया हमें चलते हुए, तो आगे कहीं रेस्ट लेंगे 5 मिनट के लिए। द ट्री कैफे करके आ रहा है अभी एक, तो 5 या 10 मिनट यहाँ पे रेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे आगे। 2 पेप्सी पी मैंने मज़ा आ गया एकदम, इतनी चिल्ड ना, हाय राम, इतनी चिल्ड नहीं मिलती थी यार, मज़ा आ गया, मतलब रूह खुश हो गई है। तो अब रूह खुश करके चल पड़े हैं अपना, तो 10 या 15 मिनट ब्रेक हो गया है, तो आपसे आगे मिलते हैं मोह गांव। तो चलो करिए क्रॉस मोह गांव। बाबा नेक्स्ट लेवल गर्मी है, ओ बाबा, आज तो लगने वाली है। आसमान भी साफ है, रन भी काफ़ी लंबा है। चलो कोई नहीं, आज पानी ज़्यादा पियेंगे और क्या। अभी टाइम 9:56 हो रहे हैं, 10 बज रहे हैं अभी, तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से शोल्डर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। आगे देखता हूँ, बैठता हूँ कहीं पे 5 या 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 10:08, तो यहीं पे रेस्ट कर लेते हैं पेड़ के नीचे। आगे पता नहीं कब तक आएगी जगह, शोल्डर बहुत पेन कर रहा है, नाखून काट लेते हैं यहाँ पे। बाकी ये दिया था मुझे किसी ने पानी में डाल के पीने के लिए, तो इसको पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। और पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी एक, क्योंकि कैफीन पी हो तो पानी ज़्यादा लगता है, ये रूल होता है। चलो चलते हैं आगे मिलते हैं। इस जगह का नाम है जी शिवनी, तो अब शिवनी क्रॉस करके 20-21 किलोमीटर बाद महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा आज। चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखेंगे। अब ये एनर्जी ड्रिंक तो हमने पी ली है, अब आगे कहीं अच्छा सा ढाबा ढूंढ के खाना खा लेंगे। अभी टाइम 11 बज रहे हैं, तो रेन शेल्टर पे रुका हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट रेस्ट करूँगा, स्ट्रेचिंग करूँगा अच्छे तरीके से, फिर निकल देंगे फिर से। अभी थोड़ी रेस्ट लंबी हो गई थी मेरी 15-20 मिनट की, चलो कोई नहीं निकलते हैं यहाँ से, जल्दी जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। 15-20 मिनट में एक्चुअली रिप्लाईज में लग घुस गया था, वो नहीं करना नहीं है, चलते हैं यहाँ से। चलिए, ये कम से कम मुझे 7वीं 8वीं बैलगाड़ी दिख रही होगी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती हैं। अभी 11:51 हो रहे हैं, तो मैं राजना पहुँच गया हूँ, और नागपुर से जिनके घर में रहने वाला हूँ नागपुर में, वो अपने बेटे को भेज रहे हैं बाइक पे, वो मेरा बैग आगे ले जाएंगे, आगे रख देंगे वो बैग। तो चलो कोई नहीं, अपना काम बन गया। बाकी इस तरह का अभी जाके धूप थोड़ी डिम हुई है, और 12 बज रहे हैं एग्जैक्ट, तो यहाँ पे अभी ढाबा आ रहा है, तो यहाँ ढाबे पे खाना खा लेंगे फिर चलेंगे आगे की तरफ। बड़े गंदी वाली भूख लग गई है, और बोल रहे हैं कि 2 मिनट की दूरी पे, अगर वो बोलते कि बड़ा दूर है तो मैं उन्हीं को बोलते था कि कुछ खाने की दे दो। देखते हैं अभी यहाँ पे पूछ लेते हैं खाने के लिए। इस जगह का नाम है राजना जो, तो खाना खा लेते हैं यहाँ पे फिर निकलते हैं। बैग की तो चलो अब हो गई हेल्प, बंदे आ जाएंगे थोड़ी देर में, बैग ले जाएंगे मेरा, बस मुझे पहुंचना है। ठीक है भैया, खाने के लिए धन्यवाद। ठीक है सर, चलो चलते हैं, अब खाना खा लिया है, 1 बज रहे हैं, 12:54 हो गए हैं अभी, तो धूप तो बादल से आ गए हैं, लेकिन धूप भी आ जा रही है। तो कुछ देर में अब महाराष्ट्र बॉर्डर भी एंटर करेंगे हम। आपका सर रुकने के लिए धन्यवाद। ठीक है जी, ओके। इनके पास कोल्ड ड्रिंक पी थी मैंने सुबह,
अभी 1:37 हो रहे हैं और बारिश लग गई जोरों से। यहाँ रेस्ट कर लेते हैं 5 मिनट फिर चलेंगे। इन भाई के पास भेज दिया है मैंने अपना बैग, इनसे छोटा वाला बैग ले लिया है। अभी 2:15 हो रहे हैं, अभी 32 किलोमीटर और है करने को। 34 चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, बड़ा बैग चला गया मेरा। वहाँ रहने का इंतज़ाम भी कर देंगे भाई, तो मुझे टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सामने रुक जाऊँगा। चार बज के 12 मिनट हो रहे हैं और मौसम ऐसा हो रखा है जैसे 6:30-7 बज गए हों। चलो अभी 1.5 किलोमीटर पे महाराष्ट्र एंटर करेंगे। ये रहा जी आखिरी गांव एमपी का। अब इस गांव का नाम था जी अंजन गांव। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 4:51, तो महाराष्ट्र में एंटर कर रहे हैं अभी। एमपी मध्य प्रदेश काफ़ी लंबा चला और काफ़ी मज़ा आया एमपी में, फिर आना है एमपी में। बाकी अब महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस करेंगे। बॉर्डर चेक पोस्ट, हेलो भाई, टॉर्च आ गई, अपना रात का सोल्यूशन हो गया। मैंने स्टोरी में बोला था कि भाई को बोलेंगे कि ये टॉर्च चाहिए और भाई ले आए, धन्यवाद है भाई का। अब आगे कहीं बैठ के चाय पियेंगे आराम से फिर चलेंगे। अब आगे कौन सा गांव आएगा? खुरसापार, ये खुरसापार है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पियेंगे चाय फिर निकलते हैं यहाँ। ठीक है भाइयों, 5:42 हो रहे हैं अभी, तो मैंने चल पड़ा हूँ अभी यहाँ से। अभी सामनेर 22 किलोमीटर है। अब पता नहीं लॉज मेरा जो होटल है वो इससे भी आगे है या पीछे है, वो भी जब भाई लोकेशन भेजेंगे तभी पता लगेगा। अंधेरा काफ़ी हो गया है, लग नहीं रहा, दिख नहीं रहा, तो मैं टॉर्च निकाल लेता हूँ। और आगे मुझे लग रहा है कि बारिश भी ठीक ठाक लगी हुई है। अभी टाइम हो रहा है 6:25, तो बिल्कुल अंधेरा हो गया है, लेकिन टॉर्च की लाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। यही एक सहारा है। अब आपसे मिलते हैं 7:30-8 तक, तब तक तो बीच में कुछ नहीं आने वाला। अभी 6:33 हो रहे हैं, छतरापुर पहुँचा हूँ मैं अभी, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं फिर निकलते हैं। इससे टाइम 7:51, 8 रहे हैं अभी। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 8:11 और थोड़ी देर के लिए लाइट्स आई हैं, तो सोचा जो भी पीछे कुछ हुआ अभी बता देता हूँ। मुझे एक अंकल मिल गए थे, बाइक पे जा रहे थे, बोला रुक गए, बोला चलो बैठो। मैं कहा नहीं, आप बोलोगे इसमें क्या नई बात है। फिर बाद में अंकल से बात हुई कि जी कि मैं यहाँ खदान में काम करता हूँ और तुम भी मतलब चलो मेरे साथ, मैं आपको 13 किलोमीटर आगे छोड़ दूँगा, वहाँ से 5 किलोमीटर रहेगा सामने। मैं कहा नहीं अंकल जी। फिर अंकल बोलते बोला मैं क्राइम कंट्रोल देखता हूँ, फ़ोन मेरे पास बड़े वाला है, डर लगता है मेरे को, लेकिन फिर भी मैं रुक गया। मैं कहा यार सहायता जन करनी चाहिए किसी ना किसी की। मैं कहा चलो कोई नहीं अंकल, मैं ऐसा बोल गया मुझे डरा रहे हो। फिर चला गया भाई अंकल। फिर काफ़ी आगे से फिर से टर्न लेके आया अंकल, आके बाइक स्टैंड पे लगाई और सीधा लेट गया पैरों पे मेरे। और उसके बाद जो बोला ना उसने, मैं क्या बोलूँ अभी, बस चलो बढ़िया माथा टेक के अंकल फिर चले गए। और उसके बाद मेरा जो बैटरी ली थी टॉर्च, उसकी बैटरी ख़त्म, वो डिम हो गई थी, तो वो 5 मिनट चार्ज किए। वहाँ पे बंगाली थे जो उनके साथ बैठा हुआ था मैं। 5-10 मिनट यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ, फिर पता नहीं आगे कितनी देर वो तक नहीं मिलेगा कोई लाइट वाइट, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म है। फिर 8:54 हो रहे हैं, तो खाना खा लेते हैं यहाँ पे फिर निकलते हैं आगे की तरफ। पूरा करेंगे तो पूरा होगा जी जी हाँ जी। तो अभी 9:22 हो रहे हैं और खाना मैंने खा लिया है, तो जो होटल वाले अंकल हैं उन्होंने खाना बोला मैं फ्री खिलवाऊंगा। मैं बोला मैं नहीं, मैं पैसे दे दूंगा, फिर भी नहीं माने अंकल। तो इसके बाद अब इन्होंने बोला जा कहाँ रहे हो, मैं सामने, तो मना कर रहे हैं कि आगे पूरा चोरों वाला इलाका है तो सेफ नहीं है,
और फिर बंदे ने एक बार नहीं, मैं तो निकलने वाला था, 5-6 बार बोल दिया मैं यहीं स्टे कर रहा हूँ। ये रहा बेड, तो अब चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अब मिलते हैं कल नई वीडियो में।